नमस्कार, आपका स्वागत है अर्चना हिडन रेसिपी में। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्पेशल पकौड़ा। न ये प्याज का है न ये आलू का है। चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं स्प्राउटेड चना ले ली हूँ आधी कटोरी, अदरक कसी हुई एक प्याज, हरी मिर्च और धनिया, और ये बेसन है हमारा 4 से 8 चम्मच, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया और अजवाइन मंगरैल। स्वाद के अनुसार मैं पहले बेसन में नमक डाल दे रही हूँ। इसी के साथ अजवाइन मंगरैल, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और मीठा सोडा अच्छे से मिला लें। उसके बाद प्याज, अदरक और धनिया, जो भी आप काटें सब डाल दें, और उसके साथ हींग, हींग मस्ट है आप डालिए क्योंकि ये चना है। स्प्राउटेड होने के बाद चना बहुत अच्छा हो जाता है, इसका प्रोटीन हाफ भी हो जाता है। अब इसमें मिला दीजिए। अभी ये बहुत थिक कंसिस्ट लग रहा है, थोड़ा हल्का पानी डालेंगे, पानी डाल के थोड़ा पतला करेंगे। इसको आप कुछ किसी चीज़ के साथ खाइए, चाय के साथ। देखिए इसका, देखिए ना बहुत पोरिंग है, नहीं थोड़ा हल्का थिक है। इसको मैं कढ़ाई में सरसों के तेल से बना रही हूँ, गर्म हो चुका है तेल। और इसको मैं करछी से भी डालती हूँ, बट मेरा करछी थोड़ा ज़्यादा बड़ा है इसलिए मुझे अंदाज नहीं मिलेगा। इसको फैला दीजिए बीच से। हाँ देखिए, ये धीरे धीरे गैस तेज ही रहेगी। इसको आप पारंपरिक तौर से दोपहर के खाने में परोस सकते हैं दाल चावल के साथ, दाल चावल सलाद, चोखा, भुजिया, जो भी आप बनाए घर पे, या सिर्फ दाल चावल के साथ भी परोस सकते हैं। और शाम को चाय के स्नैक के साथ में इसको खाया जा सकता है। ये बहुत जल्द बनने वाले पकौड़ा है, ये बहुत अच्छा, मतलब टेस्ट में तो बहुत ही अच्छा है। ये काले चने से बनते हैं। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।